मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। डुप्लीकेट पुलिस भर्ती परीक्षा में बैठे विद्यार्थी को राबोड़ी पुलिस ने दबोच लिया है। महज 10,000 रुपए के लिए उसने ये कदम उठाया था। थाने में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम सरस्वती विद्यालय में लिया जा रहा है और गेट पर चेकिंग के दौरान विकास जोनवाल नामक एक विद्यार्थी को जब चेक किया गया तो उसके पास से एक ब्लूटूथ मोबाइल फोन, कान में लगे 1 सेंटीमीटर से छोटा एयरफोन उससे बरामद किया गया है। उससे पूछताछ के दौरान बताया कि महज 10,000 रुपये के लिए वह महाराष्ट्र के बीड इलाके से एग्जाम देने के लिए थाने में आया था। राबोड़ी पुलिस स्टेशन इस मामले की आगे जांच शुरू कर दी है और गणेश गावड़े उपायुक्त परिमंडल एक ने क्या जानकारी दी है आपको सुना। पुलिस भर्ती के एग्जाम थे, एक डमी विद्यार्थी को पकड़ा गया है, कहाँ का रहने वाला है और कितने रुपए के लिए इसने काम किया? ठाणे सिटी पुलिस कमिश्नरेट में 521 पुलिस कांस्टेबल्स के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसीजर शुरू है। आज उसकी रिटर्न एग्जाम 8:30 से 10 बजे के बीच में ले जा रही है। इस एग्जाम के दौरान पुलिस स्टेशन राबोड़ी के हद में सरस्वती विद्यालय है। सरस्वती विद्यालय में जो कैंडिडेट आ रहे थे उनके फ्रिस्किंग के दरमियान एक उम्मीदवार के पास उसके निकैप में मोबाइल ब्लूटूथ कनेक्टिंग डिवाइस जो कि डिजिटल वॉच के साइज का है और एक सेंटीमीटर से भी कम लेंथ का एक छोटा ब्लूटूथ ईयरबड्स उसके पास मिले। उसके पास जो हॉल टिकट था, हॉल टिकट बालाजी कुशलकर इस उम्मीदवार का था, लेकिन जब इसको इंट्रोगेशन किया, ठीक से इंक्वायरी की, तो इसका नाम विकास जोनवाल ये बताया और उसने ये डमी कैंडिडेट करके बैठा था और ये डिजिटल डिवाइसेस के इस्तेमाल करके कॉपी करके एग्जाम देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमारे फिस्टिंग की वजह से उसको हम लोगों ने अभी अरेस्ट किया है। गुनाह दाखिल करने की प्रोसीजर भी शुरू है। सर, इस तरीके से विद्यार्थी शॉर्टकट करने की कोशिश कर दे, जिस तरीके से परीक्षा में पास होने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, जद्दोजहद रात को जागते हैं, इस तरीके से उन विद्यार्थी को क्या करना चाहोगे? अभी पुलिस रिक्रूटमेंट सभी जगहों पे बहुत ट्रांसपेरेंटली एग्जाम्स होते हैं। कोई भी शॉर्टकट इस्तेमाल करेगा तो वो सिस्टम में वो पकड़ा जाएगा। कोई गलत प्रकार करता है तो उनके खिलाफ ऑफेंसेस रजिस्टर होंगे और उनका करियर खराब होगा। इसलिए सभी जो नए कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको यही सोचना है कि वो अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से सभी प्रैक्टिस करें, तो ही वो सिलेक्ट हो सकते हैं। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सिलेक्शन एज पुलिस कांस्टेबल। सर, जिस तरीके से आरोपी गिरफ्तार हुआ है, कितने रुपए के लिए अंदाजा है काम किया होगा? अभी उसके साथ इंट्रोगेशन हुआ तो बोला 10,000 रुपए के लिए वो एग्जाम के लिए डमी कैंडिडेट।